कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाकर बीमारी से बचाव के लिए लगा हुआ है। हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने अपने मुंह को ढकने के लिए मास्क के अलावा गमछा लगाया जा रहा है। हमीरपुर में बहुत से लोगों के चेहरे पर गमछा पहने देखा जा रहा है। इसके चलते हमीरपुर में गमछा की डिमांड भी बढ़ गई है। कोरोना बीमारी के चलते मास्क की जगह गमछा लगाकर मुंह को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह एक तो बीमारी से बचा जा रहा है, बाकी गर्मी से भी बचाव हो रहा है। वहीं कुछ लोगों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को लॉकडाउन के संबोधन के दौरान गले में गमछा देखकर गमछे का प्रयोग करने लगे हैं। वहीं गमछों की डिमांड ज्यादा आने पर हमीरपुर में गमछा 100 से 150 रुपए के हिसाब से बिक रहे हैं। खासकर युवा वर्ग गमछों के लिए खासा दीवाना है और गमछे से मुंह को ढकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लोगों का कहना है कि गर्मी के लिए भी गमछा प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के द्वारा भी गमछा लगाकर आजकल कोरोना बचाव के लिए कहा गया है और इसी के चलते काफी लोग गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना बीमारी है और गर्मी का भी मौसम है, इसलिए गमछे से दोनों काम हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि गमछा लगाने के लिए बहुत बढ़िया है और पीएम मोदी के द्वारा भी गमछा पहना जा रहा है, इसलिए गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो इसमें ऐसा है कि जैसे उसे थोड़ा तो जो लगाते हैं उसे कान में थोड़ा ये होती है, इसमें लगाने से थोड़ा दोनों चीजें होती है इजीली, इसको लगाने को भी इजी और थोड़ा जो उसमें रेस्ट करनी तो थोड़ा इसको नीचे उतार दें। और मोदी जी भी कर रहे हैं इसको, जैसे उस दिन मोदी जी ने वो भाषण दिया लास्ट जो अपना लॉकडाउन के बारे में बताया तो उन्होंने भी यही लगाया हुआ था। मंत्री मोदी जी भी गमछा लगा रहे हैं और ठंड से बच रहे, मास्क से बहुत अच्छा गमछा है, ठंडी हवा भी रहती है अंदर, श्वास भी अच्छा जाता है अंदर जी। इसका एक तो उद्देश्य ये होता है कि जैसे गर्मी है तो ये प्योर कॉटन में होता है परना, और इसको मतलब शुद्ध देसी भाषा में परना बोलते हैं और कई जगह इसको गमछा भी बोलते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी और बाकी जो वरिष्ठ नेता जी हैं कोई भी किसी भी पार्टी के हैं तो वो भी आजकल परने को लगा रहे हैं। तो इससे ये एक उद्देश्य जाता है कि परने से एक तो हमारे मास्क का काम होता है और दूसरा जो प्योर कॉटन है तो इससे मुंह की भी सेफ्टी है और जो हमारा जो बाकी नीचे का गर्दन का हिस्सा है इसमें मतलब कोई निशान नहीं पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि परना बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको लोग सभी लोग लगाएं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो भी मास्क बांधने के अलावा मतलब इसी से काम चला रहे, मतलब मास्क का भी काम कर रहा है, तो इसीलिए मास्क का भी काम हो रहा है और इसमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मास्क से बहुत अच्छा ही है, इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है, मास्क के लिए पैसे खर्च नहीं, इससे अच्छा ये करना गमछा लेने के लिए, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। ये गर्मी का मौसम है उसकी इससे शरीर भी ठंडा रहता है, सब भी ठंडा रहता है और हवा भी आती है, मास्क से बहुत अच्छा ही। क्या मानते हैं मोदी जी बोल रहे हैं कि गमछा बढ़िया है? मोदी जी बोलते हैं कि गमछा बांधना चाहिए और मास्क मुस्क जो है वो अच्छा नहीं है, इससे गमछा अच्छा है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का कहना है कि लोगों के द्वारा गमछे को लगाने का सही तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गमछे का सही तरीके से इस्तेमाल करें, अन्यथा ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। देखिए, जो मास्क होता है, जो आप मास्क लगाते हो घर पे बना हुआ, अगर मास्क लगाते हो या घर पे बना हुआ परना या गमछा जो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल तो आप करें, लेकिन आप उसकी साइड किस तरफ रख रहे हैं पूरा दिन, जैसे आप लगा रहे हैं, जैसे अब ये मास्क मैंने लगाया है तो मुझे पता है कि ये इसकी बाहर की साइड है, वो वाली अंदर की साइड है, तो मैंने टच किस साइड करना, अब मेरे जैसे हाथ हैं तो इधर उधर मैं टच कर रहा हूँ तो इन्फेक्शन होने का डर है। कि अगर अब गमछा है, गमछा आपने ऐसे लपेटा हुआ है, ऐसे ज़्यादातर आपने देखा लोग ऐसे लपेट रहे हैं और ना पे थोड़ी देर के बाद फिर उसको घुमा के फिर ऐसे लपेट रहे, तो उसका तो मतलब शून्य, उसका तो इन्फेक्शन के रोकने के लिए कोई मतलब तात्पर्य नहीं रहा, उसका बस ये रहा कि हाँ बंदे ने गमछा लगाया। तो उसके लगाने का जो तरीका फिर वो एक ही जगह, फिर वो एक जगह ही रहना चाहिए सारा दिन गमछा, और उसके बाद रात को आपने वैसे ही उसको धोना है आधा घंटा साबुन वाले पानी में डाल के रखना है, डिटर्जेंट वाले इसमें,
तभी वो कामयाब है, नहीं तो अगर आप फैशन के लिए लगाएंगे तो कोरोना तो मौका ढूंढता है, उसको तो मौका मिलना चाहिए।